हाँ सर, 25 साल तक सत्ता रहने वाली है और इसके अलावा कम से कम 25 साल का लक्ष्य बनाकर हमें काम करना होगा और हर हाल में जीत हासिल करने के लिए कहा है। वंशवाद और परिवारवाद के बीच में हमने कमल खिलाया है और इसके अलावा उन्होंने बोला कि लोगों में जहर घोलने की कोशिश हुआ करती थी, कभी जाति के नाम पर कभी क्षेत्र नाम के भड़काते थे लोग और आज युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ करते। प्रधानमंत्री जी जो बोले हैं मुझे आश्चर्य हो रहा है, जिस प्रकार से आज तनाव का माहौल है, दंगे भड़क रहे हैं, हमारा आरोप तो बीजेपी और आरएसएस पर है। इनकी लोगों की सोच जो सोच है वो एक तरफा सोच है, ध्रुवीकरण वाली सोच है, इसी कारण से तनाव पैदा होता है, उसी कारण से योजनाबद्ध तरीके से दंगे होते हैं। ये आरोप तो हमारे इनके ऊपर है। और जहाँ तक बात 25 वर्ष की सत्ता की बात की, हम सत्ता में रहेंगे ये तो भविष्य वक्ता कोई है नहीं, जम्मू कश्मीर में भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता है, कल क्या मूड हो जनता का कोई नहीं कह सकता है। इसलिए ये उनका अहम और घमंड बोल रहा है, वो खुद नहीं बोल रहे हैं, मेरा मानना है। और इसका जवाब जनता देगी समय आने पर। राजस्थान के लिए मैं कह सकता हूँ जो योजना हमने बनाई है बेमिसाल है, हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर किसी भी राज्य में ऐसी योजना नहीं बनी है जो कि हमने बनाई है राजस्थान के अंदर। अब जनता के ऊपर है कि वो उन योजनाओं को किस रूप में यूज करें, चौमुखी विकास राजस्थान का हो ये हमारा ध्येय है। हमें इसको लेके नेगेटिव बनाना चुनाव के लिए भी, अगले चुनाव में जाएंगे तो हमने जो क्या किया 5 साल में, क्या जो वादे किए थे कितने वादे निभाए, क्या हमारी उपलब्धियाँ हैं प्रदेश के लिए, प्रदेश विकास के लिए, इसी में हमारा नेगेटिव बनेगा अगले चुनाव के लिए। ये आज जिस प्रकार घबरा करके मीटिंग की आनंद फानंद के अंदर, जैसे उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ और ये आकर के यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया और बैठ के आकर के, और प्रधानमंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, ये तमाम इनके घबराहट का पहचायक है। और मेरा मानना है कि अब ये जो अहम घमंड में बात कर रहे हैं 25 साल की, पहले 50 साल की थी, 50 साल 25 साल पर आ गए अभी, और थोड़े दिन के बाद में 25 साल और 5 साल पर आ जाएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। थैंक यू। पूरी हो गई है। हेलो भैया, हेलो, समझ बात, अरे कोई नहीं हो रहा।